उस दिन मैं बहुत खुश था। हम घूमने के लिए जा रहे थे। अम्मी हमारे कपड़े पैक कर रही थी। मैंने अपनी फ्लैशलाइट भी निकाल ली। मैंने और मुराद भाई ने रात को टेंट में रहना था, इसलिए रात को टॉर्च की जरूरत पड़ सकती थी। बाबा जानी, बैग ले आए हैं? ले लिया है बेटा। खाने का सामान ले लिया है? वो भी ले लिया है। कुछ भूले तो नहीं है ना? सब कुछ ले लिया है बेटा, सब कुछ। गाड़ी को क्या हो गया है तारिक? लगता है गाड़ी के प्लग्स का कोई मसला है, चेक करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ। पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी चल ही नहीं रही थी, लेकिन बाबा जानी ने जल्दी ठीक कर ली। याहू, मेरे बाबा सुपर हीरो हैं। जी हाँ, हम हॉलीडे के लिए जा रहे थे। हमने वहाँ पर कैंप लगाना था, इसलिए हम बहुत खुश थे। मेरे दोस्तों को और मुझे कैंप बहुत अच्छा लगता है। रात को टॉर्च लाइट के पास बैठकर कहानी सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। अपनी, अब तुम्हारी बारी। ठीक है, मैं शुरू में बहुत उदास था, लेकिन बाद में मैं बहुत खुश हो गया। मेरी स्टोरी का नाम है सुजैन। सुजैन, सुजैन, सुजैन कहाँ हो तुम? उस दिन सुजैन मुझे अपनी जगह पर नहीं मिली। मैंने हर तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। सुजैन, जवाब दो मुझे, कहाँ हो तुम? मैंने हर तरफ देखा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। पता नहीं वो कहाँ चले गई थी। मैंने सुजैन को हर जगह ढूंढा था। फिर वो मुझे एक टेबल पे मिली। सुजैन, सुजैन, क्या हो गया तुम्हें सुजैन? सुजैन हरकत नहीं कर रही थी। मैं बहुत उदास हो गया। मैंने सोचा उसको कुछ हो गया है। फिर मेरे सर पे कुछ महसूस हुआ। मैंने मजाक किया, मजाक किया। सुजैन, सुजैन, मैंने मजाक किया, मजाक किया। सुजैन ने मेरे साथ मजाक किया था। उसने मेरे साथ मजाक किया था। मैं बहुत रोया। पता चलने के बाद मैं बहुत खुश हुआ। मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है और अक्सर मैं घर में ड्राइंग करता हूँ, लेकिन जब मौसम अच्छा होता है तो मैं बाहर जाकर ड्राइंग करता हूँ। उस दिन मैं बाहर साइकिल की ड्राइंग कर रहा था। मैंने साइकिल के मॉडल्स न्यूज़पेपर में देखे थे। बहुत मुश्किल ड्राइंग बना रहा था मैं, और मैं खत्म करने के करीब ही था कि अम्मी जान ने मुझे अंदर खाना खाने के लिए बुला लिया। मैं ड्राइंग को वहीं छोड़कर अंदर चला गया। मुराद बेटा, आ जाओ, खाना तैयार है। आ रहा हूँ अम्मी जान, मुझे बहुत भूख भी लगी हुई थी। क्या बात है अम्मी जान, खाना बहुत ही मजे का था। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, लेकिन जूस पीना मत भूलना। गार्डन में जाके पीऊंगा, मैंने ड्राइंग भी खत्म करनी है। बारिश में पियोगे क्या? उफ, मेरी ड्राइंग भीग गई। मैं सुबह से जो ड्राइंग कर रहा था वो भीग गई। बारिश की वजह से जो रेड कलर इस्तेमाल किया था वो हर जगह फैल गया। मैं बहुत उदास हुआ। मुराद भाई, आप ये ढूंढ रहे थे? लेकिन ये कैसे हो सकता है, मेरी ड्राइंग तो सारी खराब हो गई थी। जब अम्मी ने आपको खाने के लिए बुलाया था और आप अंदर चले गए थे, उस वक्त बारिश होने वाली थी। वहाँ पर एक लकड़ी थी ना? व्हाइट बोर्ड की बात कर रहे हो? जी हाँ, मैं बोर्ड को लेने के लिए गया ताकि वो गीला ना हो जाए, लेकिन वो बहुत भारी था, तो फिर मैं ड्राइंग ले आया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जान। मेरी ड्राइंग खराब नहीं हुई थी, इस वजह से मैं बहुत खुश था। और ये सब कुछ मेरे प्यारे नन्हे भाई जान की वजह से हुआ। अब जान की बारी। मेरी कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन न्यू है, आज ही की है। नाम है हॉलीडे।
अम्मी जान, मैंने अपनी टॉर्च ले ली है। मुराद भाई ने भी अपनी टॉर्च ले ली है। ये वहाँ पर हमारे काम आएगी। लाइट चलाने की वजह से वहाँ के जानवर परेशान होंगे। हम उन्हें तंग नहीं करेंगे अम्मी जान। और जी हाँ, हम वहाँ पर आग जलाएंगे, ऐसे उनको भी सर्दी नहीं लगेगी और फिर वो हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक है, तुम बहुत मासूम हो मेरी जान, चलो जाकर अपनी तैयारी मुकम्मल करो। याहू, हम कैंप लगाएंगे। क्या हुआ गाड़ी को? लगता है गाड़ी की प्लग्स में कोई मसला है। फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। मसला थोड़ा ज्यादा है यास्मीन, गाड़ी को वर्कशॉप लेकर जाना पड़ेगा। सॉरी बच्चों, अभी हम नहीं जा सकते, फिर कभी चलेंगे। लेकिन आपने वादा किया था बाबा जानी। क्या कर सकते हैं बेटा, मैं बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था। मेरा कैंप, मेरी टॉर्च लाइट, सब कुछ तैयार था, लेकिन गाड़ी के खराब होने की वजह से हम नहीं जा सके। मैं शाम तक सोता रहा, अगर बाबा जानी ना आते तो मैं सुबह तक सोता रहता। जान, जान, जल्दी से उठो बेटा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है बाबा जानी? उठो तो सही, अपना बैग भी ले लेना, हम बाहर जा रहे हैं। हाँ? बाबा जानी कहाँ जा रहे हैं हम? कहा ना सरप्राइज है बेटा। वो तो ठीक है, सरप्राइज है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? वो देखो, वो रहा तुम्हारा सरप्राइज जान। हाँ? अरे वाह, कैंप लगाया है। हाँ जाओ एंजॉय करो। गाड़ी खराब होने की वजह से मैं उदास हो गया, यहाँ तक कि सो गया था, लेकिन जब मैं उठा तो बाबा जानी ने अपना वादा पूरा कर दिया। मुझे तो डर लग रहा है, यहाँ जंगली जानवर बहुत है। बाद में क्या हुआ वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। भागो, भागो यहाँ से।